नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। 5 रफेल भारत में आ चुके हैं, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और नई शिक्षा पद्धति भारत में लागू हो गई है। ठीक है, तो राम मंदिर और राफेल पे हम बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे नई शिक्षा पद्धति। 34 साल के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में जो देखने को मिला है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि हम नई शिक्षा पद्धति को लागू देश में करने वाले हैं। ठीक है, अब वो नई शिक्षा पद्धति क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं बिल्कुल विस्तार से, और ऐसे समझेंगे अगर परीक्षा में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इतना डिटेल में लिखा हुआ है। बेहतरीन बदलाव है, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव है, इसलिए इसमें से कुछ भी कहीं भी आ सकता है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये वीडियो तैयार किया है। देखिए, आप समझते हैं इसकी बेसिक बातों को समझते हैं, फिर इसके एकेडमिक को समझेंगे, फिर आगे की हायर एजुकेशन को भी समझेंगे। तो अब तक भारत की जो स्कूली व्यवस्था थी दोस्तों वो 10+2 के स्टैंडर्ड पे चलती थी, यानी कि 10+2 के फॉर्मेट पे चलती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो होगा वो व्यवस्था चलेगी 5+3+3+4 के आधार पे चलेगी। अब ये 5+3+3+4 क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर समझेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक बात और कर लेते हैं। देखिए, 2019 में इसका मसौदा तैयार किया गया था, यानी कि कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था के कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों ये नई शिक्षा पद्धति लाई गई है। ठीक है, वो रिपोर्ट 2019 में ही पेश कर दी गई थी। 34 साल के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है। 2.5 लाख गाँवों से और 6600 ब्लॉक्स और 676 डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िलों से रिपोर्ट मांगी गई थी, मतलब उनकी विचार लिए गए थे कि इस तरह की शिक्षा पद्धति अगर हम देश में लागू करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उस पर ही ये कमेटी काम कर रही थी, ये सब चीज़ें जुटाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी ताकि वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सके और लोगों की क्या राय है इस बारे में वो बता सके। तो आखिरकार ये संभव हो गया है और नई शिक्षा पद्धति देश में लागू हो गई है। ठीक है, विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले समझते हैं दोस्तों 5 को, फिर 3 को, फिर 3 को, फिर 4 को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहले 5 वर्षों का फाउंडेशन पढ़ाई, यानी जो कक्षा 1 से लेके जो 5 तक होगी वो फाउंडेशन पढ़ाई होगी। अब तक क्या होता था कि NC, प्री NC, फिर ये, उसके बाद 1, ये सारी व्यवस्थाएं अब खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, अब आपको 1 से 5 तक फाउंडेशन तैयारी करनी है, यानी कि वहां आपकी विस्तृत नींव तैयार की जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 15-20 किलो की किताबें लाद दी और आप जा रहे हैं स्कूल में भागे हुए। ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की शिकायतें, मेरी भी कुछ शिकायतें हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चीज़ें ला दी जा रही हैं, आपको इस पाठ्यक्रम की किताबें लगानी है, इस राइटर की किताबें लगानी है, मतलब अपनी पसंद जो स्कूल चाहते थे वो किताबें चलती थी। ठीक है, अब देखिए, अब CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड को लीजिए आप, वहाँ क्या होता था, आपको इंग्लिश कंपलसरी की जाती थी, आप इंग्लिश में ही सारी किताबें होंगी, सिर्फ हिंदी की बुक्स आपकी हिंदी में हैं, बाकी सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ना है। अब भाई, किसी का मन है इंग्लिश पढ़ने का, किसी का नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो, CBSE ISC के स्कूल, ICSE के स्कूल में हैं तो अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था ये है कि आप अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं 1 से लेकर 8 तक की। ठीक है, आगे भी इसको लागू किया जाएगा, अभी फुल डिटेल इसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा, अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने बताया था कि इसमें आपका एक बेस तैयार किया जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीज़ें, आपकी रुचि देखी जाएगी, आपकी रुचि किस में सबसे ज़्यादा है, किस खेल में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, आपके मतलब क्या आपके अंदर इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, रट्टा मार बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो मतलब खेल कूद है, यानी कि ये सब चीज़ें देखी जाएंगी जो कि आपको अब तक ख़राब लगती आई हैं। ठीक है, इसके तहत दोस्तों यहाँ तक 5th तक आपकी नींव तैयार कर दी जाएगी और आपको एक बेसिक समझ दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको मैथ की बेसिक जो समझ हमें 9th में जाके आती थी कि आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, अब जो शिक्षा पद्धति लागू हुई है 5th क्लास में ये बच्चे समझ पाएंगे कि साइंस क्या होती है, आर्ट साइड क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, इनके सब के बाद में ये लोग यहीं समझ जाएंगे और आगे ये डिसाइड कर लेंगे 6th तक पहुँचते कि हमको किस स्ट्रीम में जाके पढ़ाई करनी है। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब देखिए 6 से 8 तक, अब देखिए 6 से 8 तक क्या होगा, ये मिडिल स्टेज मानी जाएगी आपकी। ठीक है, इस मिडिल स्टेज में क्या होगा,
देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात तो इसमें ये होगी कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हैं। अब कैसी इंटर्नशिप होगी, जैसे आप कंप्यूटर पे, जैसे ही आप 6 में एडमिशन लेंगे तो आपको कंप्यूटर पर कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कोडिंग क्या होती है, आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई गेम डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको 6 क्लास से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि चीन वगैरह और जापान वगैरह जैसे देशों में होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपको किताबें रटाई जा रही हैं और मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बिल्कुल दी नहीं जा रही है। तो अब आप 6 क्लास में हैं और आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं और पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी ऐसे चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जिसका लेना देना पढ़ाई से है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप वहाँ जाके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यानी कि आपका इंटरेस्ट मन कर रहा है कि मैं भाई किसी कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेके आऊँ, प्रैक्टिकली जानकारी, तो आप वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं और स्कूल उसकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात हो गई है, प्रैक्टिकली नॉलेज आप ले सकते हैं कहीं भी जा करके। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आपके पास जो 6 से 8 तक की स्टेज है इसमें आपको क्या होगा, एक स्किल तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, एक स्किल का मतलब ये होगा कि आपके अंदर कोई भी एक स्किल हो, चाहे आप प्लम्बिंग करना जानते हो, चाहे आप वेल्डिंग करना आता हो, मतलब कोई भी स्किल आपको एक तैयार करनी पड़ेगी। आप चाहे फोटोग्राफी जानते हो, पेंटिंग जानते हो, कोडिंग जानते हो, डिजाइनिंग जानते हो, जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको एक इंटरेस्ट अपना उजागर करना पड़ेगा। क्या होगा इससे, जैसे हम 12th से निकलेंगे और हमें कोई रोज़गार अगर नहीं मिलेगा, अगर हमें कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती है, तो हम अपने आप को असहाय और मजबूर महसूस करते हैं ना। जैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया और जॉब का अभी हमारे पास कुछ पता ठिकाना नहीं है, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिससे कि हमें नौकरी ही ना मिले। ठीक है, तो अब आपके अंदर जो है कि मतलब उस पर ज़्यादा काम करना है आपको। ठीक है, आपकी स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किताबें रट लीजिए, पढ़ लीजिए, पास हो जाइए और भाग जाइए, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 9 से 12 तक आखिरी स्टेज मानी जाएगी ये आपकी। ठीक है, अब ये जो स्टेज चल रही है आपकी, ये वाली स्टेज चल रही है दोस्तों। ठीक है, देखिए 5th तक आपकी स्टेज कंप्लीट, 6 से 8 तक की स्टेज कंप्लीट, अब जो स्टेज चल रही है आपकी 9 से 12 तक की स्टेज चल रही है। ठीक है, यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको अपने अंदर एक स्किल तैयार करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जैसे कि आपके ऊपर ये नहीं रहेगा कि आप सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे या फिर अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब तक ये होता था कि स्ट्रीम थी हमारे पास, 3 स्ट्रीम थी जैसा कि हमने अभी बताया। अब स्ट्रीम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, आपका जितना इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड वाला कभी साइंस नहीं पढ़ सकता, अकाउंट्स वाला कभी आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, तो अब अकाउंट्स वाला आर्ट्स भी पढ़ पाएगा और आर्ट्स वाला साइंस भी पढ़ पाएगा। ठीक है, इसका एक पूल तैयार किया जाएगा पूरी तरह से और उसमें वो सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे कि आपके पूल में अगर वो सब्जेक्ट आते हैं तो आप उन सब्जेक्टों को आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, 9 से 12 तक का कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, 9 से 12 तक आप जब निकलेंगे तो आपके अंदर कोई एक ना एक स्किल तैयार होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो हमने बता दिया था, आप 1 से 8 तक राष्ट्रभाषा तो अपनी लोग, तो जैसा कि हमने ये 8 तक बता दिया, अब देखिए 9 से और 12 तक के बीच में एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो समझिए। देखिए अब तक क्या होता था, बोर्ड की परीक्षाएं हो जाती थी 10th की और 12th की, लेकिन अब बोर्ड की परीक्षाएं जैसी व्यवस्था कोई नहीं होगी, अब आपको सेमेस्टर देना होगा, साल में 2 सेमेस्टर आपको देने होंगे हर 6 महीने पर। यानी कि अब आप ये समझ के चलिए कि पूरे साल आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट होगा, वार्षिक रिजल्ट जो आएगा, दोनों सेमेस्टर को जोड़ के जो अंक बनते होंगे वो आपको पास कराएंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर व्यवस्था लागू हो जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं रहेगा कि आप 1 साल बोर्ड का दीजिए 10th में और फिर 12th में जाके बोर्ड का दीजिए, अब आप 3 साल सेमेस्टर देंगे। ठीक, अब जैसे ही आप पहुंचेंगे भाई इंटर के बाद एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए कहां जाएंगे, कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज क्या करते हैं, मेरिट लगा देते हैं भैया, 90%, 99%, 95%। अब आपके हैं 70%, तो आप लेना चाहते थे DU में एडमिशन, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप नंबर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, उसके लिए आप CAT कंडक्ट कराया जाएगा। CAT होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपके एकेडमिक में जोड़ दी जाएगी और उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपके मन में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि हम वहाँ एडमिशन, आप कुछ पसंद के कॉलेज होते हैं लेकिन उनमें हमें एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, अगला समझते हैं दोस्तों, साइंस वाला आर्ट और आर्ट वाला साइंस पढ़ पाएगा, ये हमने क्लियर कर दिया है। देखिए अब आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। अब रिपोर्ट कार्ड के लिए क्या होगा कि अब ऐसा नहीं कि टीचर ने अपनी मर्जी से लिख दिया आपका लड़का तो B- है ना,
सी प्लस है, ये है, वो है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपकी एक प्रोफाइल तैयार की जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल क्या होती है, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है। अब फेसबुक प्रोफाइल में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपकी बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको नंबरिंग दे, मतलब यानी कि वो भी आपको अंक दे पाएंगे जो दूसरे छात्र हैं आपके, कि आपका माहौल क्लास में कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ठीक है, आप लोगों के प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं, यानी कि इन सबको देख करके आप 360 के एंगल पे एक ये तैयार किया जाएगा, इसको कहा गया है 360, ठीक है। तो इसके आधार पे 360 असाइनमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा आपका रिपोर्ट कार्ड, जो तैयार किया जाएगा 360 असाइनमेंट के तहत तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने जो लिखा है उसी पे आपको नंबर मिलेगा। होता था ना कि मतलब पूरे साल नहीं पढ़ रहे हैं भाई, बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली, आपने गैस पेपर उठा लिए, गैस पेपर उठाए, दो तीन महीने भी नहीं, एक महीने पढ़े और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, तो ऐसी व्यवस्था अब नहीं होगी, ठीक है। अगला समझते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये है, अभी क्या है कि आपने इंटर के बाद बीए में एडमिशन लिया, बीएससी में लिया, फिर आपने बीकॉम में ले लिया, ठीक है, तीन ही स्ट्रीम थी हमारे पास। अब आपने एडमिशन लिया और आप मुश्किल एक साल पढ़ाई कर पाए, ठीक है, एक साल के बाद कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से छोड़ दी, कुछ का मजबूरी में छूट जाती है। तो अब क्या होता था कि आप या तो पूरी पढ़ाई कीजिए, या तो पूरा बीए कंप्लीट कीजिए, या पूरी बीएससी कंप्लीट कीजिए, तब आपको डिग्री मिलेगी। अब ऐसा नहीं है, चार साल आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इन चार सालों में यदि आप एक साल पढ़ते हैं और एक साल पूरा पढ़ने के बाद आप स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि कॉलेज छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये घोषित नहीं कर दिया जाएगा, आपने को कुछ ना मिले, ठीक है। तो एक साल अगर पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि आपने दो साल की पढ़ाई कंप्लीट की है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, यदि आपने तीन साल की पढ़ाई कंप्लीट की है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और यदि आपने चार साल की पढ़ाई कंप्लीट की है तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। लाइट दोस्तों जा चुकी है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको मिल गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने इसमें देने की कोशिश की है, और इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसकी और अभी बाकी आना बाकी है, पूरा परफॉर्मा जब आ जाएगा तो हम इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।